हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में, जिसको हिंदी में लिंग या लैंगिक स्कीमा सिद्धांत भी बोला जाता है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। जेंडर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो जेंडर डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे जो है इफेक्ट पड़ते हैं बच्चे के ऊपर। तो अगर सोशल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें जेंडर के ऊपर, तो वो क्या हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जब हम साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं जेंडर डेवलपमेंट में, तो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है वो सैंड्रा बैम ने दी थी। शी वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। 1944 से लेके 2014 तक उनका टाइम पीरियड रहा। ये जो थ्योरी इन्होंने दी, ये भी कॉग्निटिव लेवल पे ही बेस करती है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो है ही, ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉग्निटिव वर्ड जिसमें यूज किया गया है। लेकिन जेंडर स्कीमा थ्योरी की जब हम बात करते हैं, तो उसका बेसिस भी क्या है, कॉग्निटिव लेवल पे ही बेस करती है ये। उसके बाद ये जो थ्योरी है जेंडर स्कीमा थ्योरी, ये क्या एक्सप्लेन करती है, ये जेंडर डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती है कि जेंडर का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा। अब कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ये होती है, तो जो बेसिक मॉडल होगा कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। ये स्कीमा पर डिपेंड करती है। स्कीमा जो है, आपने ये वर्ड स्कीमेटा या स्कीमा जो है पियाजे की थियोरी में भी पढ़ा होगा। तो स्कीमा क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपकी नॉलेज में जो नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये, जब हम स्कीमा की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आज होली है या आज दिवाली है, या आपको कोई भी इवेंट का नाम लिया जाए, तो आपके दिमाग में जो है होली के नाम पे कलर्स जरूर आएंगे। तो वो जो होली के नाम पे, एक वर्ड के नाम पे कुछ जो स्कीमा आपके दिमाग में बन गए, कुछ एक इमेजिनेटिव स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में बना, उसी नॉलेज, उसी उसी स्कीमा को, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, जो आपके दिमाग में एक इमेजिनेटिव ब्लॉक बना। उसके बाद जो है स्कीमा क्या होगा, यानी कि इट इज एन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सिंप्लीफाई एंड कैटेगराइज न्यू इंफॉर्मेशन। यानी कि जब हमें होली के बारे में पता चला कि होली वर्ड का मतलब क्या होता है, उसके बाद से जो है, उसके बाद क्या किया हमारे दिमाग ने, प्रोसेसिंग शुरू की कि हाँ, ताकि उसके बाद जब फर्स्ट टाइम पता चला, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जो है वो चीज ध्यान में रहे। ऐसे ही जब हम स्कीमा वर्ड के आगे जेंडर लगा देते हैं, तो जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो जेंडर से रिलेटेड जो आपके दिमाग में होगा, यानी अगर मैं बोल रही हूं कि एक आदमी है या एक औरत है, तो आपके दिमाग में आदमी या औरत के बोल, इस वर्ड के बोले जाने पे क्या क्या आ रहा है दिमाग में, क्या स्कीमा बन रहा है, तो वो क्या होंगे, जेंडर स्कीमास होंगे। तो बेसिकली जेंडर स्कीमा क्या होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। वी हैव टॉक अबाउट ईच जेंडर, वी हैव अबाउट ईच जेंडर, यानी कि हर एक जेंडर के बारे में जब बात करने के लिए हमारे पास कुछ है दिमाग में, तो वो क्या होगा, जेंडर स्कीमा। अब जेंडर स्कीमा जो है वो स्टीरियोटिपिकल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन और वुमेन के बिहेवियर को लेके, क्लोथ्स को लेके, या जेंडर रोल्स को लेके, कि अगर ये बोला जा रहा है कि खाना बनाना है, तो खाना बनाने के नाम पे अगर आपके दिमाग में सिर्फ आपकी मदर आ रही है, तो वो क्या होगा, वो जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया मैन और वुमेन जेंडर के बेसिस पे, कि खाना बनाने का काम जो है वो किसका है, सिर्फ वुमेन का है। इस बेसिस पे, इस स्टीरियोटाइप के बेसिस पे आपके दिमाग में आपकी मदर आती है सिर्फ। अगर हम क्लोथ्स की बात करें, या जेंडर रोल्स की, या बिहेवियर की बात करें, तो उसमें अलग अलग टाइप के स्टीरियोटाइप्स जो है वो हो सकते हैं। तो जेंडर स्कीमा जो है वो स्टीरियोटिपिकल भी हो सकते हैं। उसके बाद जेंडर स्कीमा जो है वो एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है, नॉलेज जब आपकी बढ़ेगी, जब आप बचपन में है, तो आपकी अलग एक पर्सनैलिटी है, या आप अलग सोच रखते हैं, क्योंकि आप तब इतने एक्सपीरियंस नहीं है, आपने जो है ज्यादा चीजें नहीं की है समाज में। तो उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होंगे, तो आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, आपका एक्सपीरियंस अलग लेवल का होगा, तो वो एक रीजन होता है कि जेंडर स्कीमास जो है वो लेस रिजिड हो जाते हैं। कि अगर आपने शुरुआत ये चीज देख के की है कि आपकी मदर ही खाना बनाती है, लेकिन आप जब हॉस्टल में गए या बाहर आपने चीजें देखी, तो उसके बाद आपके दिमाग में जो है वो चीज चेंज हुई कि नहीं, मैन कैन ऑल्सो कुक। तो वो चीज क्या है, वो जो आपका जेंडर स्कीमा था खाना और मदर को कि वो जो है लेस रिजिड हो गया टाइम के साथ। जब हम जेंडर रिलेटेड स्कीमा की बात करते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होगा जनरल सबोर्डिनेट स्कीमा। और जब हम जेंडर स्कीमा थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स या बहुत सारे सिद्धांत की हम बात करते हैं, जो कि सैंड्रा बैम, मार्टिन और हैल्वर्सन ने दिए थे। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये टू टाइप्स हैं जेंडर रिलेटेड स्कीमा के, और मैंने ब्रैकेट में सिर्फ मार्टिन और हैल्वर्सन को मेंशन किया है, दैट मीन्स ये वाला जो सिद्धांत है, ये जो दो टाइप्स हैं, ये सिर्फ मार्टिन और हैल्वर्सन ने दिए हैं, ये जो है सैंड्रा बैम ने नहीं
दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो जनरल सबऑर्डिनेट स्कीमा है जिसको सामान्य उच्च कोटि स्कीमा भी बोलते हैं, ये जनरलाइज होगा, ये ब्रॉडर टर्म है, यानी कि चाइल्ड जो है, जो बच्चा जो है वो हर चीज से रिलेटेड क्या कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है चीजों को, तो ये जनरल होगा। इसमें सिर्फ ये मेल और फीमेल से रिलेटेड बेसिक कैटेगरीज की मेल और फीमेल है, लेकिन ओवरऑल जो है चीजों को जनरलाइज किया जा रहा है इस स्कीमा में। और इस स्कीमा में जो है ब्रॉडर टर्म है, तो हम अगर इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो इन ग्रुप स्कीमा और आउट ग्रुप स्कीमा दो टाइप हो जाते हैं। इन ग्रुप स्कीमा में आप सेल्फ आइडेंटिटी करते हैं, आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है इन ग्रुप स्कीमा, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम अ गर्ल, तो वो चीज अगर कोई और भी लड़की है तो, या कोई और काम हो रहा है गर्ल से रिलेटेड, तो वो क्या होगा इन ग्रुप स्कीमा में होगा, बिकॉज आई एम आइडेंटिफाइंग विद दैट, मैं उसके साथ रिलेट कर पा रही हूँ। लेकिन अगर एक लड़का है तो लड़के का जो अलग से स्कीमा होगा वो क्या है, मेरे लिए तो आउट ग्रुप हो जाएगा, लेकिन लड़के का खुद के लिए क्या हो जाएगा, वो इन ग्रुप स्कीमा, क्योंकि उसके साथ वो कोरिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जब हम दूसरा इसके पार्ट की बात करते हैं टाइप की, तो वो है द ओन सेक्स स्कीमा, यानी स्व लिंग स्कीमा। इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई करता है, लर्न करता है खुद के बारे में, खुद के सेक्स के बारे में, यानी कि अगर एक लड़की है या एक लड़का है तो वो सिर्फ अपने सेक्स के बारे में जो है क्या करेंगे, चीजों को इन डेप्थ करेंगे, जो लर्निंग है उनकी वो और ज्यादा जो है रेनफोर्स होती जाएगी, और ज्यादा मजबूत या क्या बोलते हैं उसको हम, गुड होती जाएगी। फिर अगर हम जेंडर स्कीमा थ्योरी के मेन पॉइंट्स की बात करें, तो जेंडर स्कीमा जो है वो बच्चों में बहुत अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाते हैं, यानी कि जब वो ऑब्जर्वेशन की स्टेज में होते हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी मदर क्या कर रही है, उनके फादर क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर इक्वालिटी उनको नहीं दिखती है, तो वही स्कीमा क्या हो जाता है, उनमें डेवलप हो जाता है। और जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे में जो है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी ही हम नॉर्मल में बोल सकते हैं एक टाइप से, हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर लड़की को पढ़ा दिया तो इट विल बी लाइक कि पढ़ा तो दिया ना, इतना तो किया, ठीक है, तो वो एक एहसान की तरह भी हो जाता है बहुत बार। लेकिन नॉर्वे की अगर हम बात करें, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी इस टाइप से है कि आपको स्कूल्स में बच्चे से भी ये चीज पूछी जाती है कि आपने आज खाने में क्या खाया, खाना किसने बनाया, आपको रेडी किसने किया, आपको ड्रेसअप किसने किया, आपका टिफिन किसने पैक किया, या फिर आपको जो है स्कूल कौन ड्रॉप करने आया। तो इन सब चीजों में अगर बच्चा सिर्फ यही बोल रहा है कि हाँ सुबह उठ के मम्मा ने तैयार किया, उन्होंने ही जो है खाना बनाया, उन्होंने ही टिफिन पैक किया, और वही फिर मुझे ड्रॉप करने आई स्कूल, तो ये चीज क्या हो जाती है, ये जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाती है। और इससे अगर ऐसा कुछ वहां पे होता है, तो वो पेरेंट से बात की जाती है कि ये जो है नहीं होना चाहिए, दिस शुडंट हैपन, क्योंकि इससे बच्चे के दिमाग में क्या हो जाता है कि ये जो काम है, ये सारे के सारे काम किसके हैं, मदर के हैं, या फिर एक ही जेंडर के हैं। अब चाहे वो मेल जेंडर हो या फीमेल, तो वहां पे इक्वालिटी की बात की जाती है, और वो इक्वालिटी जो है वो लाने की कोशिश की जाती है स्कूल के स्कूल से, स्कूल लेवल से, क्योंकि अर्ली स्टेज में जो है बच्चों में जेंडर स्कीमास बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। फिर अगर हम बात करें, तो जेंडर स्कीमा के बेसिस पे ही जो है चाइल्ड की प्रेफरेंस, टॉयज चॉइसेस या प्ले पार्टनर चॉइसेस जो है वो गाइड करता है जेंडर स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में जो है खेलते हैं जब बचपन में, तो अगर आप सिर्फ बॉयज के साथ खेल रहे हैं, या आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे लड़कियों के साथ नहीं खेलना, या लड़कियों को लगता है कि लड़कों के साथ नहीं खेलना, तो वो क्या हो जाती है, वो जेंडर स्कीमा के बेसिस पे चाइल्ड की प्रेफरेंस हो जाती है प्ले पार्टनर की, कि आपको जो है किसके साथ खेलना है। दूसरा जो है उसके बेसिस पे ही अगर लड़कियों को गुड़िया दी जा रही है, लड़कों को गन दी जा रही है, तो वो क्या हो जाती है, वो टॉय चॉइसेस जो है वहां पे मेंटेन होनी शुरू हो जाती है, ग्रो अप होनी, कि जेंडर स्कीमा के बेसिस पे कि लड़की है तो वो क्या गुड़िया से ही खेलेगी, या फिर लड़का है तो वो क्या गन जो है उसके लिए जरूरी है, गन से खेलेगा। तो वहां से चीजें शुरू होती हैं कि जेंडर स्कीमा जो है वो क्या करता है, बच्चे की प्रेफरेंसेस, पार्टनर की प्ले, जो आप किसके साथ खेलेंगे, वो जो चॉइसेस हैं वो जेंडर स्कीमा बहुत हद तक गाइड करता है। दूसरा जो है जेंडर स्कीमा का प्रेजेंस और यूज हमें क्या चीज एक्सप्लेन करता है, कि आपका किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा, यानी कि चाइल्ड से लेके अडल्ट तक हम जो है जेंडर स्कीमाज के बेसिस पे क्या पता लगा सकते हैं कि वो एटीट्यूड किस टाइप का होगा, वो किस टाइप की पर्सनैलिटी होगी, और किस टाइप के जो है वो इंसान आप बनेंगे। फिर उसके बाद आता है कि जेंडर स्कीमा इंफॉर्मेशन को भी अफेक्ट करता है, कि आप कंसिस्टेंटली किस चीज को देख रहे हैं, अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कंसिस्टेंटली कोई चीज, तो वो क्या है, वो
वो फिर आपके दिमाग में, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप भी तो तभी बनता है ना जब आपका कभी किसी टाइम पे जेंडर स्कीमा बना हो, तो वो एक स्कीमा बन जाता है और वो जब धीरे धीरे बहुत ज्यादा रेनफोर्स होना शुरू हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाता है। उसके बाद हम बात करें बैम सेक्स रोल इन्वेंटरी की, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसको हम BSRI भी बोलते हैं। सैंड्रा बैम जो थी, तो बैम क्या है उनका सरनेम है, और सेक्स रोल इन्वेंटरी यानी कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी और जो जेंडर रोल्स हैं उनको मेजर करने के लिए जो है उन्होंने ये एक स्केल दिया था जिसको हम BSRI बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस पे लो टू हाई जो है जैसे दिखाया गया है, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन कैरेक्टर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। यानी अगर मैं देखूं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर दोनों कैरेक्टर्स लो लेवल में है, यानी दोनों कैरेक्टर्स किसी इंसान में कम है, तो वो किस में, किस कैटेगरी में इन्होंने बैम ने जो है डाला, अनडिफ्रेंशिएटेड कैटेगरी में, यानी कि वो जो है उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें मैस्कुलिन कैरेक्टर ज्यादा है या फेमिनिन, दोनों कैरेक्टर्स ही कम है। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये आगे जो है हाई लेवल पे, यानी कि अगर मैस्कुलिन कैरेक्टर्स ज्यादा है तो वो क्या हो गया, मैस्कुलिन हम उसको बोलेंगे, यानी कि मेल कैरेक्टर्स उसमें ज्यादा है। और अगर y एक्सिस पे देखें हम तो ये अगर बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स फीमेल के हैं तो उसको हम फेमिनिन बोल देते हैं। लेकिन अगर हम यहां देखें कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं सेम है, यानी 50-50% कैरेक्टर्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोगाइनस, जिसको हिंदी में उभयलिंगी भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये कैरेक्टर्स थे, अब जो ये ग्राफ बैम ने बनाया, सैंड्रा बैम ने, ये किस बेसिस पे है, ये नहीं है कि आप रैंडम कोई भी कैरेक्टर्स उठा लेंगे, ये इन 12 आइटम्स के, ये जो स्केल है ये इन 12 आइटम्स पे डिपेंड करता है। यानी फेमिनिन अगर वो बोल रही है, यहाँ पे फेमिनिन वर्ड यूज हो रहा है, तो उस फेमिनिन का मतलब ये है, तो उसमें फेमिनिन में उन्होंने इंक्लूड किया कि वार्म हो, जेंटल हो, अफेक्शनेट हो या सिंपेथेटिक हो, मतलब फीलिंग्स और इमोशंस से रिलेटेड, सेंसिटिविटी से रिलेटेड, जेंटलनेस से रिलेटेड जो है वो अगर चीजें हैं, वो अगर कैरेक्टर्स हैं, तो वो फेमिनिन कैरेक्टर्स माने जाते हैं। यानी कि मेल जो है वो अफेक्शन, ये जो है सिंपैथेटिक या सेंसिटिव नहीं हो सकता। ये वही वाली बात हो गई कि जो है लड़का है और रो रहा है, ठीक है, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, तो वो चीज हो गई कि यहाँ पे उस बेसिस पे ये चीज डिवाइड की गई है। अगर मैस्कुलिन कैरेक्टर्स की हम बात करें तो इन्होंने इंक्लूड किया लीडरशिप एबिलिटीज, की पर्सनैलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप एक अच्छे लीडर की तरह एक्ट कर सके, डोमिनेंट हो, जो डोमिनेंस पावर जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में देखी जाती है, आपकी जो भी बिलीफ्स हैं आप उनको डिफेंड करते हैं, आप अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, और आप बहुत जल्दी जो है डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट्स, जो 12 पॉइंट्स इन्होंने दिए, 6 और 6 कैरेक्टर्स आइटम्स जो हैं, ये किस स्केल के लिए है, ये BSRI स्केल के लिए है। ठीक है, तो यानी अगर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें यही कैरेक्टर्स जो है मेंशन करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है वो एजुकेशन में कैसे रोल प्ले करती है। एजुकेशन में जब हम बात करेंगे तो हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि जैसे बच्चा शुरू में स्कूल जाने से पहले की अगर हम बात करें तो बच्चों की अपनी फैंटेसीज होती हैं, उनको एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने करियर से। अगर उनको पूछा जाए कि आप क्या बनेंगे बड़े होके, तो उनकी रोज की अलग एक जो है इच्छा होगी, एक अलग फैंटेसी होगी। अगर वो स्टार्स को देख रहे हैं तो वो बोलेंगे हाँ मुझे तारों से जो है बातें करनी है तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, या अगले दिन हो सकता है उनको डॉक्टर बनना हो, उससे अगले दिन हो सकता है उनको एक्टर बनना हो। तो ये जो चीजें हैं ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे बेस है कि अगर लड़की को शेफ नहीं बनना है और उसको जो है डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि शेफ जो है वो खाना बनाता है और खाना बनाने का काम तो लड़कियों का है। तो ये टाइप की, ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स थे, ये इन बेसिस पे क्या है, उसकी अलग से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जेंडर स्कीमा जो है वो एजुकेशन पे इस हद तक रोल करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, एडोलेसेंस, अर्ली एडोलेसेंस में जब वो आएगा, तो उसके लिए वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्यूचर करियर के, मतलब फ्यूचर जो मल्टीपल वैल्यूज होंगी आपकी वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं फ्यूचर करियर में। यानी कि मुझे ऐसा काम करना है जो सोसाइटी को हेल्प करे, मुझे उसमें पैसे भी कमाने हैं, फैमिली को भी टाइम देना है। तो जो ये फैमिली टाइम है या जो सोसाइटी को हेल्प करने वाली चीजें हैं, ये किस में आ जाती है, ये बहुत सारी जो वैल्यू सिस्टम है उसमें आ जाती है, कि करियर में जो है वो वैल्यू सिस्टम भी लाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं और कॉलेज स्टूडेंट की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि उनके जो करियर चॉइसेस जो हैं वो गोल ओरिएंटेड हो जाती हैं, उनका अपनी प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रायोरिटी किस चीज को थी, कि वो अपनी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं और उस बेसिस पे वो काम करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे और वो देखेंगे समाज में चीजों को, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा,
तो उस टाइम पे वो किस बारे में बात करेंगे कि जो है फैमिली को अगर थोड़ा बहुत कम टाइम भी दिया तो चलेगा, लेकिन जो है बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अपना करियर बनाना है, तो वो चीजें। तो इस टाइप से जेंडर स्कीमा जो है वो क्या हो जाता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है, क्योंकि रिजिडिटी जो है वो कम होती जाती है जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं गर्ल्स के बारे में, जब स्टेम की बात आती है, जब हम एजुकेशन से जेंडर स्कीमा को रिलेट करके देखते हैं जेंडर स्कीमा थियरी को, तो उसमें हम स्टेम की बात करते हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। तो अगर बचपन में देखा जाए तो क्या है, लड़कियों का भी मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है, 8 to 10 तक अगर हम बात करें, उसके बाद जो है वो चीजें चेंज हो जाती हैं। और जब हम स्टेम में, स्टेम के जो करियर हैं उसमें वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हम उनको लीकी पाइपलाइन जो है वो बोला जाता है, कि इतनी सारी गर्ल्स जो है वो नहीं है, कि गर्ल्स का जो इंटरेस्ट है या जो स्टेम के अंदर उनका जो इंटरेस्ट डेवलप होता है वो डिक्लाइन होता जाता है एज के साथ साथ। यानी आप जब स्कूल लेवल पे हैं तो आपका अच्छा है मैथ्स और आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बाद में जो है वो चीजें कम होती जाती हैं। ये भी एक तरह से हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है यूजुअली कि लड़कियों को जो है मैथ्स नहीं आता। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो वो लड़कियों को कुछ हद तक ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, वो ज्यादा परस्यू करती हैं, उनको जो वो उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, स्पेसिफिकली अगर मैथ्स और साइंस की बात की जाए। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये समय के साथ साथ कई बार इंक्रीज होती जाती है, लेकिन अगर आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है तो हो सकता है आपकी थिंकिंग चेंज भी हो रही हो। अगर हम इस थियरी की स्ट्रेंथ की बात करें तो मेजर स्ट्रेंथ जो है जेंडर स्कीमा थियरी की वो क्या है, कि कैसे जो है जेंडर से रिलेटेड बिलीफ जो है वो शुरू होते हैं, बनते हैं, और फिर एक रेनफोर्स होके एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप बन जाते हैं। तो ये इस थियरी की स्ट्रेंथ है कि वो कैसे हो रहा है मेंटेनेंस, और पावर क्या है जेंडर बिलीफ की, उसके बारे में ये बात करती है। फिर अगर क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो ये जेंडर जो है रिलेटेड चीजें बता रही है, लेकिन ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा लाइफ साइंसेज का या सोशल एक्टिविटीज का, वो जो है बताने में इसको अनसक्सेसफुल माना जाता है। जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है उसका जो मटेरियल है वो जो है वो ज्यादा क्लियर नहीं है कि कैसे जो है चीजें होती हैं। उसके बाद जो मेजरमेंट स्केल हमने जो बात किया था BSRI की, वो स्केल जो है एक टाइप से बायस्डनेस आप लगा लीजिए कि कैरेक्टर्स जो है वो इंडिविजुअल के बेसिस पे, कि जो सेंड्रा बैम को लगा वो उनके बेसिस पे है, और मेजरमेंट स्केल में जो है वो डिफिकल्टी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं वो एक साइड, लेकिन उसके बाद भी जो है हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि जो मेल है, जो फीमेल है, वो आगे बढ़ रही है चीजों में, उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर और जो है जो रोल्स थे या जो काम करने वाला पोर्शन था वो फेमिनिन के बजाय मैस्कुलिन कैरेक्टर्स में है। फेमिनिन कैरेक्टर्स में सिर्फ जेंटलनेस, अफेक्शनेट, केयर, वो सब चीजें डाली गई हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक बायसनेस शो करती है, और मेजरमेंट स्केल में जो है वो डिफिकल्टी होती है। तो ये था हमारे जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।